दोस्तों वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स के बारे में जो ना केवल सिर्फ अजीबोगरीब हैं बल्कि अद्भुत भी हैं। दोस्तों इनमें से कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान की सोच कहाँ कहाँ तक जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ताइवान में मौजूद मॉडर्न टॉयलेट की। दोस्तों ये कोई टॉयलेट नहीं है बल्कि मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल अपने नाम के जैसा है। यहाँ पर लोगों को टॉयलेट सीट के ऊपर खाना सर्व किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ खाना किस तरह से मशीन से निकाला जाता है आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर खाने के नाम भी अजीबोगरीब है, जैसे कि मॉडर्न टॉयलेट चिकन, कॉन्स्टिपेशन बर्गर और लूज मोशन एप्पल जूस के जैसे कई सारे अनोखे नाम है। चलिए अब बात करते हैं मालदीव के इस रेस्टोरेंट के बारे में। इस रेस्टोरेंट को 2005 में खोला गया था। ये रेस्टोरेंट समुद्र की 16 फीट की गहराई में है। दोस्तों इस रेस्टोरेंट में केवल सी फूड ही सर्व किया जाता है और समुद्री जीवों को समुद्र के अंदर खाना, वो भी समुद्री जीवों को ही जिंदा तैरते देखते हुए, ये सच में अद्भुत अनुभव है। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में केवल 14 लोग ही एक साथ बैठकर खा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जापान के इस अनोखे रेस्टोरेंट के बारे में। इस रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने के लिए बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेस्टोरेंट में दो बंदर हैं। एक बंदर लोगों को चैंपियन और पानी देता है, वहीं दूसरा बंदर लोगों को खाना सर्व करता है। ये बंदर अपने काम को इतना तरीके से करते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ये बंदर यहाँ पर खाना खाए हुए कस्टमर से काफी फ्रैंक होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये बंदर लोगों को खाना खिलाने के बाद उनका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये रेस्टोरेंट का नाम है प्रिजन, यानी कि जेल, और इसके अंदर का आर्किटेक्ट भी पूरा जेल के जैसा है। यहाँ खाने के लिए सबसे पहले कस्टमर को अपना फिंगरप्रिंट देना होता है। उसके बाद जेल में जो भी प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रोसेस यहाँ भी की जाती है। उसके बाद कस्टमर को एक ऐसे टेबल पर बिठाया जाता है जो जेल के अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये लोग जेल के अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ खाना परोसने का तरीका भी बिल्कुल जेल में जैसा होता है वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर खाना खाने आए हुए लोग असलियत में कैदी नहीं होते बल्कि इस रेस्टोरेंट के कस्टमर होते हैं। वैसे चीन का ये रेस्टोरेंट आपको जेल का अनुभव जरूर करा देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कनाडा में मौजूद डिनर इन द स्काई रेस्टोरेंट के बारे में। इस रेस्टोरेंट में कस्टमर 160 फीट की ऊंचाई पर खाना खाने का अनुभव लेते हैं। यहाँ का स्टाफ लोगों को 160 फीट की ऊंचाई पर खाने के साथ साथ हर जरूरतमंद चीज को पहुँचाता है। जब ये टेबल जमीन पर होती है तब कस्टमर से ऑर्डर ले लिया जाता है और उनके टेबल पर खाने की हर एक चीज ऑलरेडी रख दी जाती है। उसके बाद उन्हें हवा में ऊपर उठा लिया जाता है। ये रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में अपने इस यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से मशहूर है। दोस्तों कुछ ऐसा ही एक रेस्टोरेंट थाईलैंड में भी है, लेकिन ये रेस्टोरेंट डिनर इन द स्काई से थोड़ा अलग है। इस रेस्टोरेंट में लोगों को चिड़िया के जैसा बना घोंसले में खाना खिलाया जाता है। इस रेस्टोरेंट में ज्यादातर वो लोग आते हैं जिन्हें प्राकृतिक सुंदरता बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये चिड़िया के जैसा नेक्स्ट बिल्कुल प्रकृति की गोद में है। इस रेस्टोरेंट को थाईलैंड की एक आइलैंड पर बनाया गया है। दोस्तों इस रेस्टोरेंट की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर खाना सर्व करने के लिए वेटर जैम्पिंग करके आते हैं और फिर लोगों को ऊंचाई पर ही खाने की चीजें सर्व की जाती हैं। दोस्तों अगर आपको प्रकृति की गोद में बैठकर खाना खाने का अनुभव लेना है तो आपको इनमें से ही किसी एक रेस्टोरेंट में तो जरूर जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।